आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज और खबर प्रयागराज से। वैसे तो कोलकाता में बंगाली लोग पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मगर ये प्रथा प्रयागराज में भी कहीं पीछे नहीं है। प्रयागराज सरकार के द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की गाइडलाइन आने के बाद दुर्गा प्रतिमा की मूर्ति बना रहे मूर्तिकारों के मन में उत्साह कुछ हद तक सही हो गया है और वे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बड़ी मूर्तियों को छोड़कर छोटी मूर्तियों को बनाने में जुट गए हैं। वहीं मूर्तिकार का कहना है कि सरकार से बहुत देर में गाइडलाइन जारी किया, जिससे कि अब छोटी मूर्ति तय समय पर तैयार होने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बड़ी मूर्तियां जो होती हैं उसे बनाने में कम से कम समय लगता है और छोटी मूर्ति बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। दुर्गा प्रतिमा बैठाने के एकमात्र कुछ दिन ही शेष हैं, उसमें सारी मूर्तियों को बनानी है, लेकिन समय से मूर्ति को तैयार हो पाएगी ये नहीं कहना असंभव है, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति बनाने का काम जारी है। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम पार्क स्थित मूर्ति बनाने के कारखाने में लगभग दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए 4 महीने पहले शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सरकार ने गाइडलाइन कर दिया था, जिसके दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ। मूर्तिकार भी दुर्गा प्रतिमा बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं लगाई और उनको लगातार सरकार की ने अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया है। मूर्ति बनाई जाती है तो उनको लेने वाला भी कोई चाहिए, इसलिए वे मूर्ति बनाने में थोड़ी लापरवाही कर दिया, लेकिन अचानक सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी। बड़ी मूर्तियों को छोड़कर छोटी मूर्तियां छोटे पंडाल स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा सकती है। तब से मूर्तिकारों के मन में एक जिज्ञासा जगी, वे मूर्ति बनाने में जुट गए, लेकिन उनके मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा मूर्तियां कैसे बन पाएगी। वहीं दुर्गा माँ की प्रति आस्था रखने वाले भक्त भी सरकार की गाइडलाइन आने जाने के कारण निराश हो गए थे और उनको लगा कि इस बार शायद दुर्गा पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन जारी हुई कि छोटी प्रतिमाओं को लेकर रखकर भक्त माँ अर्चना पूजा कर सकते हैं, ये सुनते ही माँ के भक्तों में भारद्वाज आश्रम के स्थित दुर्गा प्रतिमा कारखाने पहुँचे और माँ की प्रतिमा लेने में जुट गए। वहीं करेली इलाके में रहने वाली एक महिला ने बताया कि बहुत सालों से माँ की प्रतिमा रखकर 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते निराश हो गए थे, लेकिन माँ की अपनी शक्ति दिखाई और सरकार ने पूजा अर्चना करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया। माँ की पूजा अर्चना करने के लिए आज मूर्तियों का ऑर्डर देने आए हैं और ये भी कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि इस बार भी मैं बहुत अच्छे से माँ की पूजना अर्चना कर सकेंगे। लॉकडाउन के वजह से कुछ ज़्यादा समस्या हुआ प्रॉब्लम, इससे पहले भी सोचा गया कि कुछ त्योहारें कुछ भी चीज़ें मनेगी या नहीं होगी, तो उसके कुछ दिन पहले पता चला कि अब ये अलाउड हो गया, सरकार ने दे दिया है, तो कुछ मन में अच्छे विचार हैं कि चलिए अब कुछ जो होता जो होगा वो किया जाएगा, इसलिए मूर्ति मार्केट में लेने के लिए चले आए हैं। या छोटी या बड़ी जैसा कुछ मार्केट में मिलेगा वैसे लेके अपने आप स्थित करके पूजा 9 दिन के लिए किया जाएगा, और बस उसके आगे जो सरकार जो उसके आगे लॉकडाउन के आगे के बारे में बात करेंगे, जो होगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे सर मेरा नाम अभिषेक निषाद, सदियापुर किसानी तोलगा प्रयागराज। दादा इस बार दुर्गा पूजा का परमिशन हो गया है, तो अब आपको किस तरह की मूर्तियों का ऑर्डर मिल रहा है और आप समय पे इसको कर पाएंगे कि नहीं? समय बहुत कम है ये साल कोरोना काल में। हाँ, हम लोग तो लॉकडाउन से ही हम लोग यहाँ पे है तो मूर्ति का कोई गाइडलाइन दिया नहीं है पहले से। हम लोग 4-5 महीना पहले से हम लोग मूर्ति का काम करते था, तो अचानक समय बहुत कम हो गया। ये समय कम में हम लोग का मूर्ति छोटी छोटी मूर्ति बनने का हम लोग का बना रही है। अब एनी टाइम में इस तरह का बड़ा मतलब छोटा छोटा मूर्ति ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। नहीं सरकार ने पहले पहले तो कोई गाइडलाइन नहीं दिया, अचानक अब कम समय का समय हो गया है तो इसमें गाइडलाइन दिया है, अब सुन रही है। अभी तक हम लोग का पास कोई तब भी क्या सुन रहे हैं कितने फीट तक मूर्तियां जा सकती हैं, क्या है? कोई बोल रहा है 3 फीट का, कोई बोल रहा है 4 फीट का, कोई बोल रहा है 5 फीट का, हम लोग का मतलब इसके लिए कंफ्यूज हो रही है। हाँ, जब तक हम लोग का राय हो जाता तो हम लोग का उसी हिसाब से हम लोग तैयारी शुरू कर लेते हैं। अभी ना कलर कर पा रहे ना मूर्ति का तैयार कर पा रहे।
हर साल लगभग कितनी मूर्तियाँ आप लोग यहाँ से? हमारे यहाँ से मूर्ति बहुत ज़्यादा है, 100 का ऊपर मूर्ति जाता है यहाँ से, 100 का ऊपर। अच्छा, अगर बात की जाए तो सबसे महंगी आपके यहाँ की मूर्ति की क्या कीमत होगी? नहीं, महंगी मूर्ति तो जेवर के ऊपर होता है। इस साल तो कोई जेवर का कोई डिमांड नहीं है, जो जैसा हम लोग मूर्ति बनाता है तो उसी हिसाब से जैसा ऑर्डर लेते हैं उसी तरह जेवर का भी उस कारीगर है उन लोग का भी ऑर्डर लेता है। तो ये साल कोरोना काल में शॉर्ट टाइम में उन लोग ऑर्डर नहीं लेते, जैसा दुकान में मिलेगा उसी तरह हम लोग सज के देना पड़ेगा, कंप्लीट देना पड़ेगा। माँ पहले आप ये सोचते रहे होंगे गाइडलाइन जारी नहीं रही होगी तो सोचे होंगे मूर्ति बनाए बिके कि ना बिके, लेकिन तो अब क्या उत्साह है? पहले तो मूर्ति बड़ा बड़ा मूर्ति बना के रखा था, तो अब तो बड़ा बड़ा मूर्ति जाएगा नहीं, सब छोटे छोटे मूर्ति जाएगा। तो अभी तक यही काम चल रहा है, तो भी हम लोग कन्फ्यूज में है कौन सा मूर्ति जाएगा, ये सरकार का ऊपर है। परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम तापस पाल, कोलकाता का रहने वाले है। हाँ, यहाँ पे कम से कम 51 साल से हम लोग यहाँ है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।